एक्चुअली क्या है कि जो लोग जनरल पब्लिक जो है वो सभी को कछुआ ही समझती है। कोई भी स्पीसीज हो तो उसको वो कछुआ ही समझती है। कछुओं में क्या है कि एक यूनिक फीचर ऐसा है कि आप जैसे ये पिक्चर देख रहे हैं, इसमें जो शील्ड है बहुत बड़ा, ऊपर और नीचे दोनों बोनी केज होता है, तो उसी के अंदर कछुआ अपनी पूरी बॉडी को रिट्रैक्ट भी कर लेता है, बाहर भी निकाल देता है। तो ये एक इसका यूनिक फीचर है कि इसके रहते हुए ये अपने को प्रोटेक्ट करता है। अब इनमें हम देखें कि कौन सा कछुआ है, किस टाइप का है, तो दो मेजर स्पीसीज है कछुओं में, एक है टॉर्टॉइस और दूसरा है टर्टल। तो इसमें ये जो कछुए की और टर्टल की जो स्पीसीज है, ये पानी में भी रहती हैं, लैंड पर भी रहती हैं। तो अगर हम इनको करें, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये टॉर्टॉइस की पिक्चर है, ये टॉर्टॉइस जो है ये लैंड में रहते हैं, इनको लैंड का रिक्वायरमेंट है, इनको पानी का रिक्वायरमेंट नहीं है। इनका मेजर होम जो है एशिया, अफ्रीका एंड इंडियन कॉन्टिनेंट पूरा, और इसमें ये मेन रूप से पाए जाते हैं। इसका जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आप देख रहे हैं, इसकी जो ऊपर की सेल का डोम से बनी हुई, ये सेल जो है गुम्बदनुमा होती है और ये सेल बहुत हैवी होती है, थिक होती है आप देखें तो। और इनके जो टांगे जो आप देख रहे हैं ना, दे आर वेरी शॉर्ट, स्टर्डी और थोड़ी सी झुकी हुई होती है। और एक स्पेशलिटी होती है इनके, अगर आप पंजे देखें, इनके पंजों में कोई पतवार टाइप का नहीं होता जी है, ये प्लेन होते हैं। और खाने की दृष्टि से अगर आप इनको देखें तो ये हर्बीवोर्स होते हैं, ये सिर्फ वेजिटेबल्स ही लाइक करते हैं। और दूसरी इनकी स्पेशलिटी ये है पानी कोई इशू नहीं है हम लोग। ये टॉर्टल होते हैं, जैसे बच्चे इनके अंडों से निकलते हैं ना, तो ये तुरंत ही मूव करने लगते हैं, जबकि और इनका लाइफ स्पान बहुत होता है। अगर आप कंपेयर करें, एवरेज देखें, एवरेज ये अबाउट 150 साल, और वैसे ये कुछ कुछ इसमें से कछुए हैं जिनकी उम्र 326 ईयर तक, तो सच ए लॉन्ग लाइफ। दे आर स्टर्ड एंड दिस टाइप ऑफ ग्रुप टॉर्टॉइस में ही होती है। नाउ इसके बाद आते हैं हमारे टर्टल स्पीसी, जो दूसरी स्पीसीज है। अगर टर्टल स्पीसीज जो है ये लैंड में नहीं रहे, इसके रहने के लिए हमें वाटर रिसोर्स चाहिए। ये भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अमेरिकन कॉन्टिनेंट और एशियन कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। इसमें आप देखें, उसमें आपने देखा सेल जो है डूम शेप है, इसमें ऑलमोस्ट फ्लैट है, थोड़ी सी उठी होगी लेकिन फ्लैट होगी और शार्प है, और इनका वेट जो होता है सेल का बहुत हल्का होता है। और जो मैंने पंजों की बात की थी, टॉर्टॉइस के पंजों में वेब नहीं होता, इनके पंजों में पतवार की तरह, ना पतवार जैसे कहते हैं वैसा एक पंजों में होता है, ताकि ये पानी में स्विम कर सकते हैं। और ये ओमनीवोर्स होते हैं, इनकी डाइट में जो है वेजिटेबल्स हैं, एनिमल प्रोटीन्स है, और इस तरह की चीजें इनको दोनों चीजें चाहिए होती हैं। इसमें एक विशेषता ये है कि जो इनके बच्चे होते हैं अंडों से जो निकलते हैं, वो एकदम नहीं चल पाते, वो करीब 3 से 4 महीने तक अंडों में से निकलने के बाद वहीं पर रहते हैं। वो हैचलिंग टाइम कहलाता है, वो इनका 90 से 120 दिन। और टॉर्टोइस के कंपैरिजन में इनकी लाइफ स्पान थोड़ा शॉर्ट होता है, इनका एवरेज जो है 80-40 ईयर्स तक है, और लेकिन इसमें लॉन्गेस्ट लाइफ स्पान इन टर्टल्स में 86 ईयर्स तक देखा गया है। जी,